में बदल देता है। ये बीस्ट दोस्तों सोवियन के उस हेवनली पाइथन जितना ही बड़ा होता है। सोवियन भी ये चीज को देखकर इम्प्रेस हो जाता है, कहता है हान फेंग ने जो अपनी डॉगी को इस तरह से रिफॉर्म करा है वो सच में काबिले तारीफ है। जिसके बाद दोनों के ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। हम देखते हैं बहुत ही खतरनाक धमाका होता है, सभी रंग के धमाके पूरे उस एरिया में फैल जाते हैं। जब इसकी इफेक्ट बाकी के लोगों को फील होती है, सभी लोग अपना अपना फाइट छोड़कर रुक जाते हैं, उसकी ओर देखने लगते हैं। सब सोचने लगते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, कौन मरा कौन बचा। हम देखते हैं दोनों ही लोग बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हैं। अब ये देखकर ब्लैक अलायंस के लोग हान फेंग को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। सुकवेन सभी अपने लोगों को कमांड देता है कि उन लोगों को सोवियन तक पहुंचने से रोको। उसी के साथ हम देखते हैं इनर कोर्टयार्ड के लोग ब्लैक अलायंस के लोगों के रास्ते के सामने आ जाते हैं। उस पूरे जगह पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फैल जाती है, लेकिन हम देखते हैं ये ब्लैक अलायंस के लोग जो इतने ज्यादा ताकतवर हैं, उन सभी लोगों को हराकर सोवियन के पास हान फेंग को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। हान फेंग को बचा लेते हैं, जिसके बाद अब वो सभी लोग मिलकर सोवियन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब दोस्तों इतने ज्यादा पावरफुल लोगों से सोवियन कैसे बचेगा। वहाँ पे सोवियन को मारने के लिए वो लोग एक चैन बना देते हैं। सोवियन अपने अटैक से उन चैन को रोकने की कोशिश करता है, पर अभी उसकी सारी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ये चैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो सोवियन की बॉडी को हिट करता है तो इसके बाद सोवियन का बचने का एकदम चांस नहीं बचता है। हम देखते हैं एक चैन सोवियन के सारे अटैक से बचते हुए सोवियन की बॉडी को हिट करने ही वाला होता है। सोवियन कहने लगता है क्या मेरी मौत अब ऐसे होगी, क्या मैं इन लोगों के हाथों से मरने वाला हूँ। सोवियन भी हार मान चुका है क्योंकि अभी सुकवेन भी ऐसे स्थिति में नहीं है कि वो सोवियन को बचाने के लिए यहाँ पे आ सके। लेकिन दोस्तों तभी हम आसमान में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कैरेक्टर को देखते हैं। अनएक्सपेक्टेडली फिर से एक बार मेड्यूसा सोवियन को बचाने के लिए आ जाती है। सोवियन के शरीर में जो चैन लगने वाला था, मेड्यूसा अपने हाथों से उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। सभी लोग शॉक्ड, आखिर ये औरत कौन है, इतनी ज्यादा सुंदर और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसको देखकर सभी लोगों का दिल सिहर जाता है। सभी लोग इसको डीमन वुमन कहने लगते हैं। हम देखते हैं जिसके बाद वो लोग फिर से एक बार मेड्यूसा के ऊपर चैन से हमला करने लगते हैं, जो कि सोवियन को बचा रही थी। पर हम देखते हैं मेड्यूसा अपनी ताकत का यूज करके उन सभी लोगों को हरा देती है और दोस्तों फिर एक बार हान फेंग के ऊपर एक जोर का अटैक करती है, जिसे कि हान फेंग पत्तों की तरह उड़कर जमीन से टकराता है। हान फेंग की हालत मरने जैसी हो जाती है। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।